7/11 और 11/7 का योग क्या है? इसी तरह 3/4 और 5/2 का योग क्या है? बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, ये जानते हैं। 11 और 7 का एलसीएम लीजिए। 11 और 7 का एलसीएम लेंगे तो सिंगल है, कुछ नहीं कटेगा। इससे 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 तो 7 सत्ते 49, इसी तरह 7 11 सत्ते 77, 11 ग्यारह 121, इसको जोड़ दीजिए। 49 150 72, 170/ जो है 77 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 3/4 और 5/2 का योग क्या है? 4 और 2 का जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 = 4, एलसीएम 4 हो गया। नीचे लिखिए 4 4 बन जा 4 यानी 3 प्लस 2 2 जा 4, 5 दूना 10 यानी 10 और 3 13/4। इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो एलसीएम लेकर आप उसका योग निकाल सकते हैं। यही करेक्ट मेथड है और वेस्ट मेथड है। सबसे पहले नीचे वाला जो है ये अंश होता है, ये हर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हर का जो है एलसीएम लेंगे, 11 और 7 का एलसीएम लिया गया है जो है 77 आया है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार जा रहा है, 11 सत्ते 77 तो 7 सत्ते 49, इसी तरह 7 11 सत्ते 77, 11 ग्यारह 121, 121 और 49 जोड़िए 170/77। इसी तरह 3/4 और 5/2 का हुआ है, 4 और 2 का एलसीएम जो है आपका 4 आया है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो बहुत ही कम समय में आपने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया, बहुत ही आसान है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।